अस्सलामुअलैकुम, वेलकम माय उस्ताद जी। मैं हूं आपका टीचर करीम। आप देख रहे हैं माय उस्ताद जी चैनल। तो आज फिर मैं कंप्यूटर स्टडी की एक न्यू क्लास लेके आ गया हूं। तो आइए स्टार्ट कर। सो ऑलराइट, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। टुडे फॉर एजेंडा इज, आज की जो हमारी क्लास की डिस्कशंस है, पहले वो हम देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ हमने देखना है कि लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है। बेसिकली हमारे आज का सेशंस के अंदर प्रोग्रामिंग तकनीक भी है, लेकिन ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मतलब ये जो हमारा लेक्चर 4 है, ये बेसिकली हम लोग 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। ठीक है, मतलब ये देखें, ये लेक्चर हमारा 4 है, इसको हम लोग स्टूडेंट्स 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। जो पार्ट ए होगा उसके अंदर हम लोग लैंग्वेज प्रोसेसर को डिस्कस करेंगे, जो हमारा पार्ट बी होगा उसके अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे, मतलब प्रोग्रामिंग तकनीक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट्स लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि ये जो हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर होता है, ये बेसिकली क्या है और ये किस तरह काम कर रहा होता है। अगर लैंग्वेज प्रोसेसर को डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स, हम थोड़ा सा इसको रियल वर्ल्ड के अंदर लेकर चलेंगे। लाइक जो हमारे सीएम साहब हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जब ये किसी भी कंट्रीज के अंदर जाते हैं, मतलब विजिट के तौर पर, तो क्या होता है, इनके साथ कुछ ट्रांसलेटर्स होते हैं, जो क्या है कि उनकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके इनको बताते हैं और इनकी लैंग्वेज ट्रांसलेट करके उनको बताते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। मतलब क्या हुआ कि ये क्या है कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज आल्सो कॉल्ड लैंग्वेज प्रोसेसर। यानी कि क्या है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर को हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर भी बोलते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, इनका काम क्या होता है लैंग्वेज प्रोसेसर का, ये हमारे सिस्टम के अंदर किस तरह काम करता है। हमारे सिस्टम के अंदर बेसिकली कुछ ट्रांसलेटर के तौर पर भी कुछ सॉफ्टवेयर काम कर रहे होते हैं। ऐसी हमारी लैंग्वेज जो क्या होती है, हमारे नजदीक होती है लेकिन कंप्यूटर से दूर होती हैं। तो ये क्या है, जो हमारे नजदीक होती हैं, ये उन लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, जो कंप्यूटर के नजदीक लैंग्वेज होती हैं। ऐसी लैंग्वेज को हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर। आगे एक दफा हम इसको रीड कर लेते हैं तो आपको मजीद क्लियर पता चल जाएगा। लैंग्वेज प्रोसेसर और या ट्रांसलेटर इज अ सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर है डेट कन्वर्ट, जो चेंज कर देता है दीज प्रोग्राम, इन प्रोग्राम को इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड लैंग्वेज प्रोसेसर। यानी कि स्टूडेंट्स, ऐसे हमारे पास प्रोग्राम जो क्या होते हैं, असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखे जाए, जो क्या है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखे जाए, ये क्या है कि ये इन दोनों लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम लिखे गए थे, ये क्या है कि उनको मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास मशीन लैंग्वेज होती है, ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज होती है, जो कंप्यूटर की फंडामेंटल लैंग्वेज होती है, जिसको हमारा जो कंप्यूटर है वो डायरेक्टली अंडरस्टूड कर लेता है। तो ये उन प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ऐसे प्रोग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर। एवरी कंप्यूटर लैंग्वेज, मतलब क्या कि हमारे पास जो कंप्यूटर की हर एक लैंग्वेज है इट्स ऑन ट्रांसलेटर। मतलब क्या कि हर जो कंप्यूटर की हर लैंग्वेज है, वो एक अपना ट्रांसलेटर रखती। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, यानी कि जो हमारा सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ क्या, मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है, समझ सकता है। प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल और या असेंबली लैंग्वेज कैन नॉट बी रन ऑन अ कंप्यूटर डायरेक्टली। मैंने स्टूडेंट्स ये बात आपको पहले ही बता दी है, एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा कोड जो क्या है, जो हाई लेवल लैंग्वेज, ये क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखा जाए, उसको क्या कि हमारा सिस्टम डायरेक्टली रन नहीं करता। इट मस्ट बी कन्वर्टेड इन टू मशीन लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूशन। यानी कि क्या है कि उसकी एग्जीक्यूशन से पहले, उसको एग्जीक्यूट करने से पहले वो क्या है, मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, ताकि हमारा जो सिस्टम है वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लैंग्वेज प्रोसेसर। यानी कि जो हमारे पास लैंग्वेज प्रोसेसर होता है, उसकी आगे मजीद क्या है, हमारे पास टाइप्स भी हैं। तो सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, कंपाइलर क्या होता है, इसके बाद इंटरप्रेटर क्या होता है, और इसके बाद असेंबलर क्या होता है। अभी हमने इन तीनों को कंप्लीट डिस्कस करना है। तो
जब हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं तो आगे हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आएगा आपको वाजह तौर पर पता चल जाएगा। तो जब हम थोड़ा सा नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, व्हाट इज कंपेलर, यानी कि स्टूडेंट्स हमारे पास कंपेलर क्या होता है। ठीक है, ये अब कंपेलर हमारे पास क्या है, कंपेलर बेसिकली हमारे पास लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर की एक टाइप है, जिसका काम क्या होता है कि जो हमारा कोड, जो हमारा प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है, ये क्या कि उसको हैज अ होल मशीन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर देता है, यानी कि उसको उठाकर कन्वर्ट कर देता है। हैज ए होल का मतलब क्या होता है, अगर स्टूडेंट्स आप यहां पर देखें तो मैं थोड़ी सी यहां पर डायग्राम बनाकर आपको बताता हूं। फर्ज किया ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या एक आईडी है, आईडी से मुराद क्या कि ये आप हमारे पास एक कंपाइलर है, इसमें क्या कि आपने कोड की ये लाइन एक लिखी, ये आपने कोड की लाइन दूसरी लिखी, ये आपने कोड की लाइन तीसरी लिखी, ये आपने कोड की लाइन चौथी लिखी, ये आपने कोड की लाइन पांचवी लिखी। ठीक है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसका स्टूडेंट्स मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो अब यहां से लेकर यहां तक ये तो स्टूडेंट्स है, ये हमारा कोड था, मतलब क्या जो हमारा कोड था उसकी 5 लाइन थी, ये लाइन 1, ये लाइन 2, ये लाइन 3। तो इसका काम क्या होता है कंपाइलर का, कि इसने हमारे कोड को एक ही दफा उठाकर सारे के सारे को कन्वर्ट कर देना होता है मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर। इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, एज अ होल। एज अ होल का मतलब ये होता है कि आपने जितना कोड एक दफा लिख लिया एलिफ से लेके ये तक, इसने उस सारे को उठाकर एक ही दफा कन्वर्ट करना होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाइलर बेसिकली स्टूडेंट्स बोलते हैं। ठीक है, कंपाइलर बेसिकली मतलब क्या होता है कि ये हमारे इंस्ट्रक्शंस को, हमारे कोड को, हमारे प्रोग्राम को एक ही दफा उठाकर कंपाइल कर देता है। ठीक है, आप प्रोग्राम रिटन इन आई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड और या सोर्स प्रोग्राम। स्टूडेंट्स इसको हमने पीछे भी डिस्कस किया है कि एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा कोड जो क्या होता है, जो आई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं या सोर्स प्रोग्राम बोलते हैं। कंपाइलर कन्वर्ट सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन नॉन हैज ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, मतलब क्या है कि जो हमारा कंपाइलर होता है वो क्या करता है, वो सोर्स प्रोग्राम को मशीन कोड या क्या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर देता है। स्टूडेंट्स हमारे पास सोर्स प्रोग्राम क्या होता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, मशीन कोड या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या होता है, जो मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा सा इस पिक को देखें स्टूडेंट्स, मतलब क्या, अगर आप थोड़ा सा स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा, ये वाली जो पिक है, ये क्या है हमारे पास सोर्स प्रोग्राम है, ये क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है। ठीक है, अब ये देखें, ये सोर्स प्रोग्राम है, ये क्या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, तो मतलब हमारा जो सोर्स प्रोग्राम है वो क्या हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है कहां पर, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर। वो कौन कर रहा है, वो स्टूडेंट्स हमारे पास कौन कर रहा है, वो बेसिकली कंपाइलर कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाइलर बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, व्हाट इज इंटरप्रेटर के, स्टूडेंट्स हमारे पास इंटरप्रेटर क्या होता है, बिल्कुल सेम बाय सेम जो हमारे पास इंटरप्रेटर है ये कंपाइलर की तरह ही होता है, लेकिन कंपाइलर और इंटरप्रेटर में फर्क सिर्फ इतना है, कंपाइलर स्टूडेंट्स क्या करता है, कंपाइलर हैज ए होल, हैज ए होल का मतलब क्या होता है कि हमने एक ही दफा जितना का जितना कोड लिख लिया है, कंपाइलर काम क्या था, उस सारे के सारे कोड को उठाकर कन्वर्ट कर देना, उस सारे के सारे कोड को उठाकर ट्रांसलेट कर देना। लेकिन जो हमारे पास बेसिकली इंटरप्रेटर होता है, इंटरप्रेटर का स्टूडेंट्स काम क्या होता है कि ये हमारी लाइन बाय लाइन यानी कि हमारी स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट को कन्वर्ट करता है। लाइक ये देखें स्टूडेंट्स, ये अब हमारे पास क्या है, फर्ज किया एक हमारे पास कोड है। ठीक है, ये सारा का सारा स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, कोड है। ठीक, इस कोड अगर आप यहां पे देखें, ये लाइन एक है, ये लाइन दूसरी है, ये लाइन तीसरी, ये लाइन, मतलब इसमें हमारे पास कितनी लाइंस आ गई हैं, 4 लाइंस आ गई हैं। ठीक है, अब इंटरप्रेटर काम क्या होता है कि पहले वो लाइन नंबर 1 को देखेगा, अगर लाइन नंबर 1 विदाउट एनी एरर, यानी कि लाइन नंबर 1 के अंदर, स्टेट नंबर 1 के अंदर कोई भी एरर नहीं है, तो इंटरप्रेटर काम क्या है कि वो लाइन नंबर 1 को ट्रांसलेट कर देगा। अगर लाइन नंबर 1 के अंदर कोई एरर है तो वो आपको तब तक क्या है स्टूडेंट्स, दूसरी लाइन के ऊपर मूव नहीं करने देगा, वो आपको ये कहेगा कि डियर स्टूडेंट्स लाइन नंबर 1 में, प्लीज स्टेट नंबर 1 में एरर है, पहले आप इस एरर को रिमूव करें, फिर क्या है आप लोग नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव कर सकते हैं। ये बेसिकली काम कौन कर रहा होता है, इंटरप्रेटर कर रहा होता है, जो क्या होता है स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, यह क्या होता है लाइन बाय लाइन हमारे कोड को चेक कर रहा होता है। अगर लाइन नंबर 1 के अंदर एरर है तो ऑफकोर्स
कोर्स क्या है, ये आपको लाइन नंबर टू के ऊपर कभी भी नहीं आने देगा। ये आपको कहेगा कि भाई लाइन नंबर वन में एरर है, पहले आप स्टेटमेंट वन या लाइन नंबर वन में एरर को रिमूव करें, फिर क्या आप लोग नेक्स्ट मूव करें। ठीक है, अब कंपेलर्स का और इंटरप्रेटर का अगर हम थोड़ा सा आपस में कंपैरिजन करें, अगर हम इनका कंपेयर इनका मुआवजा करें, तो हमें क्या है कि भाई जो कंपेलर्स होता है ये थोड़ा सा स्पीड के अंदर फास्ट होता है। फास्ट क्यों होता है, क्योंकि ये एज ए होल कोड को कन्वर्ट कर देता है। जो हमारे पास इंटरप्रेटर होता है ये स्पीड में स्लो होता है, कम होता है। क्यों, क्योंकि इसने लाइन बाय लाइन चेक करना होता है। लेकिन कंपेलर में जो एरर है वो फाइंड करना टफ है। टफ से मुराद क्यों है, क्योंकि वो हमारे पास सारा का सारा कोड होता है, तो आपने सारे के सारे कोड में से एरर को फाइंड करना होता है। जबकि हमारे पास इंटरप्रेटर में सिर्फ एक लाइन होती है या क्या होता है, हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है, उस स्टेटमेंट में आपने एरर को फाइंड आउट करना होता है। तो इसलिए जो एरर फाइंड आउट करना होता है ये इंटरप्रेटर से आसान होता है, और जो एरर फाइंड आउट करना होता है ये कंपेलर में होता है। So, इसी तरह the programmer can correct error during development, मतलब क्या कि जो हमारे पास इंटरप्रेटर के अंदर एरर आता है इसको हम लोग आसानी से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यही बात यहां पे जो मैंने आपको बताई है वही लिखी हुई है। ठीक है, मतलब the डिसएडवांटेज ऑफ इंटरप्रेटर इज है दैट कि इट इज नॉट वेरी इफिशियंट। स्टूडेंट्स, इफिशियंट हम बोलते हैं फास्ट तेज को, मतलब क्या है कि जो हमारे पास इंटरप्रेटर है ये इतना इफिशियंट नहीं होता, ये इतना तेज नहीं होता। द इंटरप्रेटर डज नॉट प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, मतलब क्या। हाँ स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द इंटरप्रेटर डज नॉट प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, मतलब क्या कि भाई इंटरप्रेटर क्या है कि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कि जो फाइल है ये एग्जीक्यूट नहीं करता। मतलब क्या क्या है, ये साथ के साथ ही बेसिकली एग्जीक्यूटेड हो रहा होता है, इसलिए ये क्या कि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को क्रिएट नहीं करता। इट मस्ट बी कन्वर्टेड द प्रोग्राम ईच टाइम इट इज एग्जीक्यूटेड, राइट। मतलब इसके कहने का ये है कि ये क्या कि ये हर वक्त ही ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर कन्वर्टिंग होता ही रहता है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा नेक्स्ट मूव करें स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहा है असेंबलर। क्या होता है, व्हाट इज असेंबलर, यानी कि स्टूडेंट्स हमारे पास असेंबलर क्या होता है। असेंबलर हमारे पास क्या है कि लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर की एक तीसरी टाइप काइंड है, तीसरी टाइप है। ठीक है, तो अब असेंबलर को हम स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि हमारे पास असेंबलर क्या होता है। एन असेंबलर यानी कि जो हमारे पास असेंबलर है ये भी बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक ट्रांसलेटर होता है, जो क्या होता है ट्रांसलेट करता है हमारी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर। इस कॉल्ड असेंबली, मतलब इस कॉल्ड असेंबलर। लाइक ये देखिए, ये हमारे पास क्या स्टूडेंट असेंबली लैंग्वेज है, ये हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या होता है, जो मशीन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया जाता है, यानी कि ये हमारे पास स्टूडेंट असेंबली प्रोग्राम है, ये हमारे पास क्या असेंबलर। असेंबलर क्या है, असेंबलर बेसिकली हमारी असेंबली प्रोग्राम को क्या है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, चेंज कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असेंबलर बोलते हैं। अगर मैं स्टूडेंट्स यहां पे आपको दिखाऊं, एन असेंबलर इज अ ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शन ऑफ असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड असेंबलर। बहुत आसान था, इसमें कोई इतनी बड़ी डिफिकल्टीज नहीं थी। अगर आप थोड़ा सा आगे मूव करें, आगे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है, इन दोनों का कंपेयर आना, मतलब क्या इन दोनों को कंपेलर और इंटरप्रेटर का इस स्लाइड के अंदर कंपैरिजन किया गया है। यानी कि एक साइड के ऊपर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, एक साइड के ऊपर हमारे पास आ रहा है कंपेलर क्या होता है, दूसरी साइड पे हमारे पास क्या आ रहा है इंटरप्रेटर क्या होता है। सारी बातें यही वाली हैं जो मैंने आपको पीछे डिस्कस की हैं। अगर फिर भी आपको प्लीज किसी किस्म की क्यूरी है, इसको आपने एक दफा रीड करना है। अगर आपको किसी भी किस्म की क्यूरी है तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है। तो ऑलराइट, वेलकम बैक। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। तो प्लीज अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक माय उस्तादी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।